हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.3 का आगे का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। आइए देखते हैं प्रश्न। एक पंखे का नगद मूल्य 1940 रुपये है। किस्त योजना में यह 620 रुपये तत्काल नगद भुगतान, 620 रुपये तत्काल नगद भुगतान तथा दो समान प्रति माह के किस्तों में उपलब्ध है। आपके पास जो है दो ऑप्शन बोल सकते हैं। एक तो उसका मूल्य कितना है, 1940 रुपये, आप उतना देकर के सामान ला सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि किस्त में अगर लेना है तो पहला किस्त बोलता हूं, तत्काल नगद भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं, 620 रुपया देकर के आप ला सकते हैं। उसके बाद आपको दो किस्त में और राशि देना होगा। यदि किस्त योजना में 16% वार्षिक की दर से ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा प्रश्न जो देखा गया है उसमें हमको ब्याज का दर ज्ञात करना था, जबकि यहां पर जो है प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। एक बार मैं रिपीट करता हूं, जो यहां पर नगद मूल्य दिया होता है उसको आप बोल सकते हैं एमआरपी, ठीक। सेकेंड यहां पर दिया गया है कि किस्त योजना में अगर ले रहे हैं तो तत्काल नगद भुगतान है 620, जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। और उसके बाद दो समान किस्त में जो है आपको दिया जा रहा है। हल करने का प्रोसीजर लगभग वही है, थोड़ा आपको अंतर दिखेगा। यहां पर हम लिखेंगे पंखे का नगद मूल्य, पंखे का नगद मूल्य कितना है, यह है 1940 रुपए। अब इसके बाद जो है हम कितना उसको दे रहे हैं, 620 रुपए, तो यहां लिखेंगे तत्काल नगद भुगतान बराबर कितना, 620 रुपए। अब इसके बाद जो है शेष राशि किसमें दिया जाएगा, किस्त में। तो यहां पर मैं शेष राशि को अभी नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पर सीधा सीधा बोल दिया गया है कि दो समान किस्त में जो है हमको उपलब्ध है, तो यहां पर लिख देंगे माना प्रत्येक किस्त की राशि, प्रत्येक किस्त की राशि कितना है, X रुपए, और किस्त की संख्या ये है हमारे पास दो। मतलब दो समान किस्त में देना है और एक किस्त में कितना, X रुपए। तो किस्त के हिसाब से अगर लेंगे तो आप कितना रुपया देंगे, दो किस्त X रुपए यानी कि 2X रुपए, और डाउन पेमेंट कितना किए, 620 रुपए। यानी कि किस्त योजना में आप कुल कितने राशि दे रहे हैं, 2X धन 620। तो यहां पर लिख देंगे किस्त योजना में किया गया कुल भुगतान आपने 620 रुपए तो डाउन पेमेंट कर दिया, और दो किस्त में एक्स एक्स दे करके 2X रुपया और किस्त भुगतान कर दिया, तो टोटल भुगतान कितना हुआ, 2X धन 620 रुपए। अब ध्यान देंगे कि आप टोटल इतना दे रहे हैं किस्त योजना के तहत, जबकि उसका वास्तविक मूल्य कितना है, 1940। तो टोटल भुगतान में अगर हम ओरिजिनल प्राइस जो है उसको यदि घटा दें तो कितना ब्याज आपको देना पड़ रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल लेता हूं,
मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य जो है 100 रुपए है, आपने 50 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया और उसके बाद 60-60 रुपया का 2 किस्त में भुगतान किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सॉरी गलती कर रहा हूं यहां। मान लेते हैं 100 रुपया उसका ओरिजिनल प्राइस है, आपने 50 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया और कितना बचा 50, और उसको 2 किस्त में दे रहा है, तो 2 किस्त में दे रहा है तो मान लो आपको 2 किस्त लगा दिया 30-30 रुपया, तो ये टोटल हमको ये किस्त में भुगतान करना पड़ा 30-30, 60 और 50, 110 रुपए। ओरिजिनल प्राइस 100 रुपया, लेकिन आप भुगतान किए 110 रुपया, तो ये 10 रुपया क्या मिला? ब्याज दुकानदार को। तो ये किस्त में जो राशि, किस्त में जितना भुगतान हुआ है उसमें ओरिजिनल प्राइस को अगर माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाता है? ब्याज की राशि मिल जाता है। तो यहां पर भी सेम वही करना है, ये टोटल भुगतान में 1940 जो कि ओरिजिनल प्राइस है माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ब्याज। तो लिख देंगे अतः ब्याज की राशि बराबर कितना हो जाएगा? ब्याज की राशि 2x धन 620 ऋण 1940। तो ये 2x तो रहेगा ही, 1940 में 620 को माइनस कर दो, 0, 2, 3, 1, बड़े का चिन्ह माइनस है तो ये भी माइनस, ऋण 1320। ये इतना रुपया जो है क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक, एक तो एक तरीके से हम ये ब्याज की राशि प्राप्त कर लिए 2x ऋण 1320। अब आगे हमको क्या करना है? अब हमको किस्त देखना है। पहले माह का किस्त कितना होगा? पहले माह का किस्त, अब ध्यान दें, आपका ओरिजिनल प्राइस था 1940, आपने डाउन पेमेंट किया 620, शेष राशि कितना बचा? ये 0, 2, 3, 1, 1320 रुपए। तो ये 1320 रुपए जो है आपका पहले माह का जो है क्या बनेगा? किस्त नहीं बोलना चाहिए, मूलधन। पहले माह का मूलधन आपका 1320 रुपया। जैसे ही एक महीना कंप्लीट होता है आप एक किस्त पटा देते हैं, यानी कि X रुपया पटा देते हैं, तो दूसरे माह का मूलधन क्या मिलेगा? दूसरे माह का मूलधन, दूसरे माह का मूलधन मिलेगा 1320 में X माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि एक माह के बाद आपने एक किस्त पटा दिया तो ये टोटल में जो है पहला किस्त माइनस हो जाएगा तो वो आपका मूलधन बन जाएगा। अतः एक माह का मूलधन, पहले माह वाला 1320, दूसरे वाला 1320 ऋण x, अब दोनों को जोड़ दो, 13 और 13 2640 ऋण x, इतना रुपए हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको क्या मिल गया? एक माह के लिए मूलधन मिल गया ना। दर कितना है? 16% वार्षिक। समय कितना? एक माह, यानी कि 1/12 वर्ष। अब इसको हम साधारण ब्याज के सूत्र में रख देंगे। अब यहां पर मैं इसको मिटाने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखना बाद में हमको इसकी जरूरत पड़ेगा। ब्याज की राशि 2x ऋण 1320। तो एक काम करता हूं, मैं इधर को मिटाता हूं, प्रश्न का काम खत्म हो गया है। प्रत्येक किस्त की राशि हमको ज्ञात करना है और वो जो है आपको याद है। यहां पर जो है मैं मिटा देता हूं ताकि थोड़ा सा अपने को स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। तो यहां पर जो है मूलधन मिल गया, दर मिल गया, समय मिल गया,
तो अब ब्याज हमको क्या मिलेगा यहां पर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना है आपका, 2640 ऋण एक्स, 2640 ऋण एक्स कोष्टक में रखेंगे। दर कितना 16, समय कितना 1/12। तो एक काम करता हूं, इसको ऐसा लिख देता हूं, बटे 100 आता है तो ये 1/12, तो 12 को नीचे ही लिख दिया। अब कटा दो, कुछ कटेगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 25 सम, 4 एकम 4, 4 तिया, तो ये आ गया 2640 ऋण एक्स और बटे में कितना 25 तिया 75। ये हमको क्या मिला भाई, ब्याज। अभी हमको ब्याज ये मिला है जबकि पहले से ब्याज हम यहां पर लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं इधर का जो है मिटा रहा हूं, थोड़ा आप नोट कर लेंगे। अब ये ब्याज और ये ब्याज दोनों बराबर हो जाएंगे, तो लिख देते हैं 2x ऋण 1320 बराबर हो जाएगा 2640 ऋण एक्स बटे में कितना 75। 75 का इधर गुणा होगा तो 75 × 2x ऋण 1320 बराबर 2640 ऋण एक्स। अब कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, 75 का 2 से गुणा करेंगे 150x ऋण 75 का 1320 से गुणा करना पड़ेगा। यह हो जाएगा 5 शून्य 5 × 2 = 10 का 0 हासिल 1, 5 × 3 = 15 1 × 16 = 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 7 शून्य 7 × 2 = 14 हासिल 1, 7 × 21 = 22 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 0 0, 6 × 4 = 10 6 × 2 = 8 और 1 9 9। तो ये आ गया आपका कितना 99,000, इधर 2640 ऋण एक्स। तो एक काम करें, ऋण एक्स को इधर ले आते हैं, तो 150x और ऋण एक्स का इधर हो जाएगा धन एक्स बराबर, ये उधर चला जाएगा 2640 धन 99,000। तो यह आ जाएगा 151x बराबर, दोनों को जोड़ दें, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2640 यहाँ ऐड हो जाएगा 2640, 0 4 6 9 2 11 का 1, ये हो जाएगा 10, कितना हो गया 10 16 40, 10 16 40। अब ये 151 इसके साथ गुणा हो रहा है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो बटे 151। क्योंकि प्रोसीजर बहुत लंबा हो चुका है और इसको जो है मैं यहां पर कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, 151 से अगर इसको आप भाग देते हो तो ये आपको मिलता है x बराबर 673.11 रुपए, और यही 673.11 रुपए आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख देंगे, अतः प्रत्येक किस्त की राशि 673.11 रुपए होगा और यही जो है आपका आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक माइक्रोवेव ओवन का नगद मूल्य 20,100 रुपए है। पहले क्वेश्चन से मैं कुछ चीजों को लिख करके रखा हूं, आप देखेंगे कि नगद मूल्य, तो ये लिख दिया माइक्रोवेव ओवन का नगद मूल्य 20,100। यदि यह 3,700 रुपये तत्काल नगद भुगतान, तो यहां पर तत्काल नगद भुगतान लिख दिया 3,700 रुपये, तथा दो समान मासिक किस्त बोला है, तो मासिक किस्त को हम मान लिए हैं एक्स रुपए और दो किस्त है इसलिए यहां पर किस्तों की संख्या लिख दिए 2। अब यहां पर ध्यान देंगे कि
10% वार्षिक ब्याज की दर से उपलब्ध है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान दो, ओरिजिनल प्राइस जो है 20,100 है, तुरंत जो डाउन पेमेंट कर रहे हैं 3,700 रुपए है, दो किस्त और देना है, एक किस्त एक्स है, किस्तों की संख्या दो है। तो किस्त योजना में अगर हम देखें तो टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं, दो किस्त एक्स एक्स रुपए, यानी कि 2x हो गया, और डाउन पेमेंट 3,700 रुपए, तो इसको भी जोड़ दिए, तो ये 2x धन 3,700 रुपए जो है कुल भुगतान हो रहा है यदि हम किस्त योजना में लेते हैं तब। तो किस्त योजना में ले रहे हैं तो 2x धन 3,700 रुपए, अगर किस्त योजना में नहीं लेते तो सीधा सीधा 20,100 रुपया दे देते। तो हमको पता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है उसके तुलना में किस्त योजना में हमको ज्यादा राशि देना होता है। तो ये किस्त योजना में ओरिजिनल प्राइस को अगर माइनस कर दें, घटा दें, तो हमको ब्याज मिल जाएगा। तो लिख दिए, अतः ब्याज की राशि 2x धन 3,700 में ओरिजिनल प्राइस 20,100 को माइनस कर दिए, ये आ गया आपका कितना 2x, इसमें इसको माइनस करोगे 16,400, बड़े का चिन्ह ऋण है तो ये भी ऋण, तो ये हो गया आपका ब्याज की राशि एक तरीके से। अब दूसरा, पहले माह का मूलधन कितना बनेगा, टोटल प्राइस है 20,100, डाउन पेमेंट कर दिया आपने 3,700, इसमें इसको माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वो पहले महीने के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन। तो ये 20,100 में 3,700 को माइनस किए तो 16,400 रुपये जो है पहले माह का मूलधन बना। अब दूसरे माह का मूलधन लेंगे तो ये जो पहले महीने जितना मूलधन था उसमें एक किस्त पटा रहे हैं, यानी कि एक रुपया पटा दे रहे हैं, तो इसमें एक रुपया घटाने के बाद जो आएगा वो दूसरे माह का मूलधन हो जाएगा। तो इसलिए लिख दिया दूसरे माह का मूलधन, इसमें एक किस्त को घटा दिए। अब एक महीने के लिए, पहले महीने के लिए ये मूलधन, फिर एक महीने के लिए यानी कि दूसरा महीना का मूलधन ये है, तो एक माह के लिए कुल मूलधन कितना मिलेगा, 16,400 और 16,400 ऋण एक्स दोनों को जोड़ दिए, 32,800 ऋण एक्स रुपए। अब ध्यान देंगे आपका मूलधन मिल गया, ये दर कितना है 10% वार्षिक, समय कितना है, समय है एक माह यानी कि 1/12 वर्ष। अब यहां पर आप ज्ञात कर लेंगे साधारण ब्याज, यह होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में आ जाता है 100। तो मूलधन कितना है 32,800 ऋण एक्स, 32,800 ऋण एक्स मूलधन। दर कितना है आपका 10% वार्षिक और समय है 1/12, तो पूरे के बटे में यहां पर 100 लिखते हैं तो वहीं पर हो जाएगा 100 × 12। तो यहां पर कुछ कैंसिल करा दें बोलने से ये और ये कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 32,800 ऋण एक्स और बटे में 12 × 10, यानी कि ये हो जाएगा 120। यहां पर कैलकुलेशन करने पर ब्याज मिल रहा है ये, और यहां कैलकुलेशन करने पर ब्याज मिल रहा है ये। ये दोनों जो है आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसको मैं मिटा देता हूं, किस्त की राशि एक्स हमको ज्ञात करना है। तो यहां पे लिख देता हूं, अब दोनों बराबर होंगे तो 32,800 ऋण एक्स बटे 120 बराबर, यहां पर है 2x ऋण 16,400, ठीक है, इधर ब्याज 2x ऋण 16,400, यहां पर ब्याज 32,800 ऋण x बटे 120, तिर्यक गुणा कर दो 120 का उधर गुणा हो जाएगा, 32,800 ऋण x 120 का यहां गुणा करोगे तो 12 × 24 यानी कि 240x ऋण 120 का गुणा 16,400 से कर दो, 16,400 × 120, 0 से करेंगे 5 ठो 0, इसका हो गया 2 से कर दो, 2 × 2 × 2, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 + 1 = 2, 2 × 1 = 3, 2 डिजिट का हो गया पूरा,
अब एक से कर दो, 0 0 4 6 1, 0 0 0 8 6 9 1, एक कितना आ गया 19,68,000, ठीक 19,68,000। अब यहां पर जो है देखिए 240x, तो ये 240x को रहन दो और ऋण x को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा धन x, और इधर जो है 32,800 है और ये माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 19,68,000 बराबर, दोनों को जोड़ो कितना आएगा। संख्या जो है काफी बड़ा बड़ा आ रहा है, आपको जो है हड़बड़ाना नहीं है, कैलकुलेशन आसानी से करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ी होने का चांस बढ़ जाता है। 0008, 8 2 10 का शून्य हासिल 1, 6 3 9 1 10 का शून्य हासिल 1, 9 1 10 का शून्य हासिल 1, 1 और 1 2, कितना बना भाई 20,800, 20,800, ठीक 20,00800 बराबर 241x, या x के साथ 241 का गुणा हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा 241, या x बराबर 241 से इसको जब भाग देते हैं तो आता है 8,302.07 रुपए। तो आप आंसर में लिख देंगे अतः मासिक किस्तों की राशि 8,302.07 होंगे, या 8,302.07 रुपए होंगे। तो इस प्रकार से जो है आज हमने 7.3 में दो क्वेश्चन कवर किया, जिसमें जो है किस्त की राशि जो है ज्ञात करना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, इसीलिए जो है ध्यान से जो है आप कैलकुलेशन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।